डिजिटल हेयरिंग एड सेंटर, मैं डिजिटल हेयरिंग एड सेंटर कंपनी से हूँ और होलसेल डीलर हूँ। आज बात करेंगे इनविजिबल हेयरिंग एड की। इनविजिबल बोलिए या स्मॉलेस्ट पे बोलिए या ना दिखने वाला हेयरिंग एड बोलिए, IIC बोलिए, CIC हेयरिंग एड बोलिए, बिल्कुल भी नहीं दिखता, माइक्रो हेयरिंग एड बोलिए। ठीक है, तो बात करते हैं। इससे पहले कि आगे बात करें, आप पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने से आपको क्या है, लेटेस्ट वीडियो और जो भी वीडियोस आएंगे हेयरिंग एड और ऑडियोमेट्री और हेयरिंग लॉस के अकॉर्डिंग, वो आपको पता चलता रहेगा। तो आप सब्सक्राइब कीजिए पहले। तो अब हम बात करते हैं हेयरिंग एड की। ठीक, अब हेयरिंग एड की बात करते हैं। जैसा कि आप पीछे फोटो में देख रहे हैं, इनविजिबल हेयरिंग एड केवल 70% लॉस या फिर माइल्ड मॉडरेट हेयरिंग लॉस होता है उन लोगों के लिए इनविजिबल हेयरिंग एड होता है। अगर आपका हेयरिंग लॉस बहुत ज्यादा है तो आपको इनविजिबल हेयरिंग एड नहीं लगेगा। कोई भी ऑडियोलॉजिस्ट आपको इनविजिबल हेयरिंग एड के लिए रिकमेंड नहीं करेगा अगर आपका लॉस 70% या 70 डेसिबल या सीवियर हेयरिंग लॉस है, तो इनविजिबल हेयरिंग एड आपको नहीं लगेगा। तो पहले तो इनविजिबल हेयरिंग एड लगाने से पहले आप ये देख लें कि आपका हेयरिंग लॉस ऑडियोमेट्री PTA रिपोर्ट किस तरह का है, उसके बाद ही आप इनविजिबल की तरफ जा सकते हैं। हर हेयरिंग लॉस वाला आदमी इनविजिबल हेयरिंग एड नहीं चूज कर सकता। इनविजिबल हेयरिंग एड जैसा कि फोटो में देख रहे हैं, ऑडियोमेट्री के हिसाब से लगता है मॉडरेट टू सीवियर हेयरिंग लॉस है तो लग जाएगा। इसमें कई तरह के आते हैं। कुछ हेयरिंग एड आते हैं जो बने बनाए आते हैं। बने बनाए का मतलब मैक टू रेडी, मतलब आपको कुछ नहीं करना होता, बना बनाया हेयरिंग एड आता है, बस परचेस करिए, बैटरी लगाइए और कान के अंदर फिट हो जाता है। इसके अंदर अलग अलग तरह की रबड़स होती हैं, आपके कान के होल के हिसाब से अंदर रबड़ पुट की जाती है और सिर्फ लगा लिया जाता है। अगर ढीली है, टाइट है, जैसी भी है, 4-5 साइजेस के रबड़ आते हैं, वो आप चेंज करके आपका ऑडियोलॉजिस्ट आपको लगा देता है। दूसरा हेयरिंग एड आता है अकॉर्डिंग टू साइज। जैसा आप फोटो में देख रहे हैं, उसमें इम्प्रेशन लिया जाता है आपका, सिलिकॉन से एक ईयर का कैनाल का आपका इम्प्रेशन लिया जाएगा। कैनाल इम्प्रेशन लेने के बाद हेयरिंग एड कंपनी में बनने जाएगा, फिर वहां से बन के आएगा और फिर आपको फिट किया जाएगा। ये दो तरीके के इनविजिबल हेयरिंग एड्स होते हैं, वो आपका ऑडियोलॉजिस्ट ज्यादा बेटर बता पाएगा विच इज द बेस्ट। और अगर आपका लॉस मॉडरेट है तो आप मैक टू रेडी भी ले सकते हैं, बनवा भी सकते हैं, वो आपकी चॉइस रहती है। इसमें IIC आता है, IIC मॉडरेट लॉस के लिए होता है जो बहुत छोटा होता है, CIC आता है, इस तरह के हेयरिंग एड आते हैं। तो मैं आपको एक हेयरिंग एड का फोटो दिखाता हूं, ये देखिए, ये है मैक टू रेडी। इसको सिर्फ आप देखिए इस तरह लगा सकते हैं। ये मेरा लेफ्ट ईयर का है तो लेफ्ट हैंड में पकड़ूंगा और ये अंदर चला गया, बस। ये मैक टू रेडी हेयरिंग एड है। ये मेरे पास केवल 7,500 रुपये का है। अगर आप खरीदना चाहे तो खरीद भी सकते हैं, 2 साल की वारंटी भी है। इस तरह का हेयरिंग एड मैक टू रेडी आता है। ये मॉडरेट हेयरिंग लॉस सीवियर 60%, 70%, 70 डेसिबल तक लॉस को कवर कर सकता है। इसको बैटरी कैसे चेंज करते हैं ये भी बता देता हूँ। सिर्फ आपने डोर खोला और ये सेल डाला और इस तरह से बंद कर दिया, ये चालू हो गया, बस इतना सा काम होता है। ये हेयरिंग एड बना बनाया आता है, मैक टू रेडी हेयरिंग एड है। इसको आप खरीद सकते हैं मेरे से, केवल 7,000 रुपये का है। इस तरह के हेयरिंग एड मार्केट में अवेलेबल है, आप मेरे से भी परचेस कर सकते हो, होलसेल रेट पे दे रहा हूँ मैं। ये बहुत सस्ता है, 2 साल की वारंटी है, बस आपको कान के अंदर फिट करना है। थैंक यू सो मच डिजिटल हेयरिंग एड सेंटर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वेलकम।